So alright, this video is dedicated to all those girls. I mean those girls who are the victim of domestic violence. जिनके साथ घर में मारपीट होती है, ससुराल में मारपीट होती है. जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, ब्रिचुअल ट्रीटमेंट किया जा रहा है. ओके, जरूर नहीं है हर बार पति मारपीट करे अपनी पत्नी के साथ. ओके, कभी कभी पत्नी भी अपनी हस्बैंड के साथ मारपीट करती है. काफ़ी केसेस होते हैं जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो. खैर, उनकी बात हम किसी और दिन करेंगे अगर पत्नी मारपीट करती है तो. आज हम बात करेंगे अगर किसी लेडीज़ के साथ मारपीट होती है, पत्नी के साथ मारपीट होती है, बहू बेटियों के साथ होती है, तो क्या करना चाहिए. ओके, सो अगर हम NCR की रिपोर्ट देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि हर चौथी महिला डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार है अपने घर में. हालांकि वो बात अलग है, वो रिकॉर्ड में आता नहीं है, वो न्यूज़पेपर में अपीयर नहीं होता. ओके, लेकिन अगर हम यही चीज़ रूरल एरियाज़ में देखें तो काफ़ी मिलेगी आपको देखने के लिए. ये होता है जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस. उनको अवेयरनेस नहीं होती, इसलिए वो ये चीज़ सहते हैं और एक्सप्लोइटेशन होता है अच्छे से. ओके, सो यू डोंट वरी, इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट इट. इंट्रो. Woke up and just felt right. Phone blown like a tailpipe. Today's schedule airtight. It turned a short day into a long night. See you soon if you got the heart. Meet you outside when you. सो ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस होती क्या है. आई मीन एक्चुअल में जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो क्या है. अकॉर्डिंग टू एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो क्या है. कुछ लोग जनरली समझते हैं जो मारपीट है उसी को डोमेस्टिक वायलेंस में कंसिडर किया जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं. कुछ कैटेगरीज स्पेसिफाई की गई हैं. तो क्या है वो कैटेगरीज, लेट स्टार्ट इट. सो फर्स्ट आती है फिजिकल टॉर्चर, आई मीन फिजिकल एब्यूज़. अकॉर्डिंग टू एक्ट फिजिकल एब्यूज़, फिजिकल एब्यूज़ में आता है जो भी कोई भी एक्टिविटीज़ हाथ से की गई है, हाथ से टच करके गई है. जैसे कि लात मारना, थप्पड़ मारना, टच करना, धक्का देना, सीढ़ियों से गिरा देना, काटना, वट एवर इट इज़. ओके, फिजिकल टॉर्चर में आते हैं, फिजिकल एब्यूज़ में आते हैं. मूविंग ऑन द नेक्स्ट, नेक्स्ट होती है सेक्सुअल एब्यूज़. आई मीन सेक्सुअल एब्यूज़, जैसे कि ज़बरदस्ती पति का पत्नी से ज़बरदस्ती सेक्स करना, सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, उसको टच करना, किस करना, वट एवर इट इज़. ओके, अननेचुरल सेक्स करना, यानी कि अपना प्राइवेट पार्ट हस्बैंड को, अपना प्राइवेट पार्ट वाइफ के मुंह में डालना या फिर कहीं और डालना, वट एवर इट इज़, अननेचुरल सेक्स करना. ओके, सो द थर्ड पॉइंट इज इकोनॉमिक एब्यूज़. इकोनॉमिकल एब्यूज़ इन द सेंस कोई पैसे के लिए तंग करना, जैसे कि सपोज़ वाइफ जॉब करती है, उसको जॉब ना कर देना, उससे पैसे की डिमांड करना, उसको पैसों के लिए तंग करना. ओके, उस अगर वो पैसे कमाती है उससे पैसे छीन लेना, वट एवर इट इज़. आर यू गेटिंग. सो द लास्ट पॉइंट इज इमोशनली, इमोशनल एब्यूज़. इमोशनल एब्यूज़ इन द सेंस सुसाइड की धमकी देना, कोई भी उसको सुसाइड के लिए अबेटमेंट करना, या फिर उसे कोई ऐसी बात कहना जिससे कि उसे बुरी लगे, या फिर उसका उसकी इमोशंस हर्ट हों, या फिर उसे उसके कोई कैरेक्टर पे कोई बात उठाए जैसे कि तेरा अफेयर था, कोई भी जो उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर सके. ओके, ये तो हो गई कुछ कैटेगरीज. अगर आपका इसमें कुछ आता है तो आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है. ओके, किसके साथ, लेडीज़ के साथ, विक्टिम के साथ. सो ये तो हो गई कुछ कैटेगरीज. अब क्या प्रोसीजर है, हमें क्या प्रोसीजर अपनाना चाहिए. तो प्रोसीजर यही है, हमें हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में एक सचिवालय होता है, मिनी सेक्रेटरीट बोलते हैं जिसे, वहाँ एक फैमिली कोर्ट्स होते हैं. तो वहाँ जाना है आपको, वहाँ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होते हैं फैमिली कोर्ट में, हर फैमिली कोर्ट में प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होते हैं. तो वहाँ क्या करना है आपको, वहाँ जाके एक DIR फॉर्म भरना है, डोमेस्टिक इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट. उसमें आपको जितनी भी आपकी जो भी आपकी कैटेगरीज के साथ जो भी आपके साथ वायलेंस होती है वो आपको फिल करना है, अपना सारा कुछ पता वता सारा कुछ फिल करना है. तो जैसे ही आप फिल करोगे वो मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा, मैजिस्ट्रेट को 3 दिन के अंदर आपकी कार्रवाई करनी पड़ेगी. और मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी भी बनती है यहाँ पे कि वो आपका केस 30 दिन के अंदर अंदर फाइनल कर दें. ओके, सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको क्या क्या रेमेडीज़ मिल सकती है अगर आप केस फाइल करते हो, तो क्या क्या रेमेडीज़ मिलती है. तो रेमेडीज़ होती हैं आपको, या तो आप हस्बैंड को पनिशमेंट दिला सकते हो, या फिर अगर आपको कोई चोट लगी है तो आप कंपनसेशन ले सकते हो, कोई भी फाइन ले सकते हो. अगर बच्चों का सवाल है, आई मीन बच्चों की, तो उनके कस्टडी ले सकते हो, बच्चे अपने पास रखने के लिए कोई भी डिग्री पास करा के अपने लिए कस्टडी करा सकते हो, बच्चों की कस्टडी करा सकते हो, यानी कि बच्चे आपके साथ रहेंगे.
तो द नेक्स्ट पॉइंट अराइज होता है, क्वेश्चन अराइज होता है कि आपको केस कहाँ फाइल करना चाहिए। तो आपको केस वहाँ फाइल करना चाहिए जहाँ कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, यानी कि आप अपने पति के घर केस फाइल करा सकते हो या फिर अपने मायके में। बेहतर होगा जहाँ आपका आपके साथ कॉज ऑफ एक्शन हुआ है, आई मीन मारपीट हुई है, कुछ भी एक्टिविटी हुई है रिगार्डिंग डोमेस्टिक वायलेंस, तो आप वहीं करा सकते हो। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम पीरियड। आपको कितने टाइम पीरियड के अंदर ये केस फाइल करना है। जनरली 2 वीक्स के अंदर आपको ये केस फाइल करना होता है। ओके, ये नहीं है आप 6 महीने बाद कोर्ट जा रहे हो डोमेस्टिक वायलेंस का केस लेके। ऐसे में क्या होता है, उन्हें लगता है ये फर्जी है, तो फिर उसमें थोड़ी जो कार्रवाई है वो थोड़ी धीरे हो जाती है। गॉट इट? सो तो हो सके तो आप जितनी जल्दी कर सको उतना ही फ़ायदा है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ बर्डन ऑफ प्रूफ। जनरली क्या होता है, जो केस फाइल करता है उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, यानी कि आप अगर डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज कराते हो तो आपके पास आपके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि आप प्रूफ करो। तो प्रूफ के लिए आप अगर आपके साथ मारपीट हुई है तो मेडिकल करा सकते हो, अगर कुछ ऐसी चीज़ हुई है इमोशनल वाली बातें हुई हैं तो आप कुछ विटनेसेस रख सकते हो, कुछ ऐसे लोग इकट्ठे कर सकते हैं जो आपके फेवर में गवाही दे सकें। सो दैट्स कंक्लूड द वीडियो एंड इट्स ऑल अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो, यू कैन लीव योर क्वेश्चन ऑन कमेंट सेक्शन एज वेल एज ऑन इंस्टाग्राम। ओके, सो आई एम गोइंग टू मेक मोर वीडियोज। मीनवाइल यू डोंट फॉरगेट टू स्टे स्टाइलिश एंड स्टे अवेयर। I will see you in the next video. Cheers.